इजरायली दूतावास के पास धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि इजरायली दूतावास के पास विस्फोट होने के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज किया है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह विस्फोट मंगलवार शाम को इजरायली दूतावास के पास झाड़ियों में हुआ था। विस्फोट में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से इजरायली राजदूत का नाम लिखा एक पत्र भी मिला था। विस्फोट से पहले दो संदिग्ध भी इस इलाके में देखे गए थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस के चाणक्यपुरी स्थित इजरायल के दूतावास के पास हुए विस्फोट मामले में सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए थे। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट से कुछ देर पहले ही दो युवकों को घटनास्थल से 1 किलोमीटर के दायरे में घूमते हुए देखा गया। I don't think I'm the appropriate person to respond on this. The concerned agencies are looking into the matter. You've seen media reports. They've also, I think, briefed the media on that. Let them finish their investigations. We will have a better sense. I certainly am not aware of anything that you mentioned about blaming particular entities or countries. Let's defer to them till they come out with some more definitive things. I'm not going to comment on what other countries might be.